नमस्कार, 9 दिन 9 मंत्र आप सुन रहे हैं राजुल के साथ। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी, आप सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हैं, कल्याणदायिनी शिवा हैं, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हैं। हे माँ दुर्गा, आपके श्री चरणों में नमस्कार है। नवरात्र के 8वें दिन नवदुर्गा की 8वीं शक्ति महागौरी की उपासना का विधान है। इस दिन को महाअष्टमी और दुर्गा अष्टमी भी कहते हैं। माता महागौरी का श्वेत शुभ्र स्वरूप पावन तरंगों का संचार करता है। माँ के इस मंगलमय स्वरूप के दर्शन से समस्त पाप संताप दुख दारिद्र्य नष्ट हो जाते हैं। असीम शांति और अपार आनंद के साथ जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का निरंतर प्रवाह होने लगता है। माँ गौरी की पूजा सभी के लिए शुभ फलदायी है। माँ की कृपा से सुखी वैवाहिक जीवन और मनवांछित वर की प्राप्ति भी होती है। महाअष्टमी के दिन पवित्र मन से एकाग्र होकर सर्वप्रथम कलश का पूजन करते हैं, फिर हाथ में फूल लेकर माँ के स्वरूप का ध्यान करते हुए इस मंत्र का पाठ करते हैं। श्वेते वृषे समरूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा पूर्णेन्दु निभाम गौरी सोमचक्र स्थिताम अष्टम महागौरी त्रिनेत्राम वराभीतिकराम त्रिशूल डमरू धराम महागौरी भजे। वृषभ पर आरूढ़ शुभ्र वसना समस्त प्रकार का मंगल करने वाली माता महागौरी को प्रणाम है। पूर्ण चंद्र के समान कांति वाली त्रिनेत्रधारी देवी के अष्टम स्वरूप महागौरी को प्रणाम है। त्रिशूल डमरू धारण किए हुए वर मुद्रा में अभय प्रदान करते हुए महागौरी को प्रणाम है। इस प्रकार माँ के स्वरूप का स्मरण करते हैं। ओम महागौरी देवे नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए धूप जलाते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं, हल्दी अक्षत और पुष्प अर्पित करते हैं। सौभाग्यादि च यत्किंचित् दृश्यते ललनाजननी तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम। स्त्रियों में सुख सौभाग्य की प्राप्ति माँ के प्रसाद का ही फल है। माँ का जप निरंतर करने से परम कल्याण प्राप्त होता है। माँ को चुनरी भी चढ़ाई जाती है। इस प्रकार पूजन करने के बाद हाथ जोड़कर माँ की स्तुति करते हैं। सर्व संकट हंत्री त्वम ही धन ऐश्वर्य प्रदायिनी ज्ञानदा चतुर्वेदमयी महागौरी दी प्रणाम्यहम्। सुख शांति दात्री धन धान्य प्रदायिनी डमरुवाद्यम प्रिया अद्या महागौरी प्रणाम्यहम्। त्रैलोक्य मंगल त्वम ही तापत्रय हारिणी वददम चैतन्यमयी महागौरी प्रणाम्यहम्। समस्त संकट को दूर करने वाली धन ऐश्वर्य प्रदान करने वाली ज्ञान देने वाली चारों वेदों से युक्त महागौरी को प्रणाम है। सुख शांति और धन धान्य प्रदान करने वाली भगवान शिवा की प्रिया आदिशक्ति महागौरी को प्रणाम है। तीनों लोकों का कल्याण करने वाली त्रिविध ताप हरने वाली चैतन्यमयी माता महागौरी को प्रणाम है। इस प्रकार पूजा करने के बाद भोग अर्पित करते हैं, कथा सुनते हैं और आरती करते हैं। अष्टमी के दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। महागौरी की कृपा से आंतरिक सुख की प्राप्ति होती है। जीवन से विघ्न बाधाएं दूर होती हैं, उत्साह और प्रसन्नता की वृद्धि होती है। या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर 9 दिन 9 मंत्र सीरीज का
ये एपिसोड आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों और जानने वालों से ये सीरीज शेयर करना ना भूले। अपने सुझाव यानी सजेशंस के लिए इंस्टाग्राम पर आकर हमें टैग करना और बताना ना भूले @ राजूला शो।